अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया फिर एक बार रिश्वतखोरी का पर्दाफाश। तफसीलात के मुताबिक उस्मान शरीफ नामी एक शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो में एक शिकायत दर्ज करवाई के उनके किसी मसले के हल के लिए बिल कलेक्टर जमाल और राजशेखर नामी ये अफराद ने उस्मान शरीफ से 50,000 रुपये का मुतालबा कर रहे थे, पर 40,000 रुपये में मामला तय पाया था। पहले ही 20,000 रुपये की रकम शरीफ ने अदा की थी। बाकी के 20,000 की रकम अदा करने के दौरान इन दोनों को एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिसर्स ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो ने अवामुन्नास से गुजारिश की है कि सरकारी दफ्तरों में अपने जायज काम के लिए रिश्वत मांग रहे हों तो 1064 पर राब्ता करने का मशवरा दिया। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शरीफ नाम का ही याकूबपुरा रहने वाले एक शख्स ने आज एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस पे रब किया था। आके उन्होंने हमारे पास एक दरखास्त दर्ज किया एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर को पुराने अरियस पे करने के लिए असिस्टेंट इंजीनियर ऑपरेशंस राजशेखर याकूबपुरा सर्किल और उनके मातियत काम करने वाले जमाल बिल कलेक्टर दोनों मिलके उनको 50,000 का डिमांड किए थे। अब उसने रिक्वेस्ट करा तो वो लोग 40,000 के लिए मान लिए। 40,000 में 20,000 ऑलरेडी यही हिसाब ले चुके थे। आज फिर 20,000 लेते वक्त हमने दोनों को रंगे हाथ पकड़े और इन लोगों को आज हिरासत में लिया गया। तहकीकात जारी है और कल सुबह इन लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा। सर, अगर हमारा एक सवाल है, अगर कोई भी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे, जैसा पुलिस के लिए 1000 आपके लिए कुछ ऐसा आसानी से कोई कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपको? है हमारे पास भी टोल फ्री नंबर 1064 बोल के हमारे टोल फ्री नंबर है एंटी करप्शन ब्यूरो का। कोई भी लोग अपने रिश्वत मांग रहे हैं तो आप हमारे पास आके रब कर सकते हैं 1064। और एक सवाल है सर, अगर आप जैसा ये कंप्लेंट पे एक्शन लिए भी, कोई आपके पास कंप्लेंट दिया तभी एक्शन लेते हैं, आपके तरफ से इंडिविजुअल कुछ रेट्स करते हैं या कुछ करके ऐसा जो ब्राइब पूछने वाले लोग थे, जो सर्वेंट थे, उनके ऊपर एक्शन आप खुद ही से लेते हैं या कंप्लेंट पे लेते हैं आप लोग? नहीं, हम तो कंप्लेंट पे लेते और हमारे पास सबूत रहा तो हम भी, हम कंप्लेंट आए तक हम नहीं रुकते। हमारे पास जो सबूत है तो हम भी एक्शन लेते। जैसा कि कोई वीडियो वीडियो सबको भेजे, वीडियो क्लिप भेजे या फोटोज कुछ भेजे तो उस पर एक्शन लेंगे सर आपके डिपार्टमेंट पर? हाँ, अगर नहीं वो वीडियोस पे हम फिर तहकीकात करेंगे वो कहाँ से आया है, क्या है, जो मॉर्फिंग हो रहा है क्या, वो तहकीकात करके और जिसके ऊपर वो इल्जाम लगाया गया वो ऑफिसर का बैकग्राउंड भी हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास सबूत में अगर कंफर्म हो गए हम जरूर एक्शन ले लेंगे। सर, वो वीडियो जो लेने वाला शख्स वो खुद ही आपके पास पहुंचा तो उसके बाद फिर इंक्वायरी करने की जरूरत है सर? हाँ, जरूरी है। ऐसा नहीं कि आजकल देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसा मार्किंग करके लेके आए पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमारे तहकीकात भी करना जरूरी है। तो आपके इंडिविजुअल भी कुछ रेट्स हो रहे सर वैसे आपके डिपार्टमेंट के तरफ से? हमारे हिल में ऐसा आ गया तो हम जरूर रेट कर देंगे। थैंक यू। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर